कोरोना वायरस कुछ भी नहीं है, वैसे इन्होंने लोगों ने काम बनाया हुआ है, वैसे बातें बनाई हैं, पैसा खाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। कोरोना वायरस कुछ भी नहीं है, लॉकडाउन किया हुआ है, लोग भूखे मर रहे हैं, कारोबार है नहीं, और लोग क्या करें, फिर बाहर आना पड़ता है मजबूरी के लिए, लोगों के पास भूखे मर रहे हैं लोग। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अरुसा खान और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। चीन के शहर वुहान से कोरोना वायरस की इब्तदा हुई और कोरोना वायरस ने चीन के साथ इटली, अमेरिका, पूरे यूरोप को अपनी लपेट में ले लिया और इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस का शिकार है। कोरोना वायरस ने जहां पूरी दुनिया को मुतासिर किया है, वहीं पाकिस्तान में भी इसने अपने पंजे गाड़े हैं। सबसे पहला केस फरवरी में कन्फर्म हुआ और उसके बाद सिंध में लॉकडाउन लगा दिया गया। सिंध के साथ पंजाब में भी कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन में कभी नरमी होती रही, कभी सख्ती कर दी जाती थी, लेकिन इस नरमी और सख्ती के चक्कर में बहुत से केसेस कंफर्म हुए। हालिया दिनों में हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी की गई है और इस नरमी के नतीजे में जो कंफर्म केसेस 72,460 है, जिनमें रिकवर्ड हुए हैं 26,083, क्रिटिकल हैं 516 और डेथ हुई है 1,543। आइए हम जानते हैं लोगों से कि आखिरकार कोरोना वायरस है क्या, ये इंसानी जिस्म में कैसे दाखिल होता है और लोग इसका किस तरह से शिकार होते हैं। बाबा जी, एक बीमारी आई हुई है कोरोना वायरस, सुने हैं तुसी? हाँ बेटा सुने है। ए की है? तो बेटा वो एक गल होंदी है, नुकसान तंदुरुस्ती भी होवे जां बुखार चढ़िया होवे, एवें साडे लोकां ने कोई गल बना छड्डी है। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਮ 'ਚ ਪਾ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓਗੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਬਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਯਹਾਂ ਪਰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸੇ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। लेकिन जो है वो सूरतचाल इसकी कुछ इस तरह की है कि कोरोना वायरस जो है वो ना तो किसी को हाथ लगाने से फैलती है ना किसी को, बल्कि ये जो है एक नज़ले ज़ुकाम की तरह की बीमारी है ना, वो इस तरह की है, क्योंकि तो ख़ास बीमारी नहीं है। इसको जो है ज़्यादातर इशू बनाया गया है, क्योंकि हमने तो ख़ुद ऐसी कोई अमवाज जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक नहीं देखी है, बट लोगों के दिलों में जो है ज़रूर डर इस तरह का डाल लगा कि कोरोना एक ऐसी बीमारी है। लेकिन इसकी आड़ में जो है सबसे पहले तो इंटरनेशनल लेवल पे एक बिजनेस किया जा रहा है। कोरोना वायरस कुछ भी नहीं है, वैसे ही इन्होंने लोगों ने काम बनाया हुआ है, वैसे बातें बनाई हैं, पैसा खाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। कोरोना वायरस कुछ भी नहीं है, लॉकडाउन किया हुआ है, लोग भूखे मर रहे हैं, कारोबार है नहीं, और लोग क्या करें, फिर बाहर आना पड़ता है मजबूरी के लिए, लोगों के पास भूखे मर रहे हैं लोग। कोरोना वायरस से बचना चाहिए, अपनी हिफाजत करनी चाहिए, लोगों से ज़्यादा मिलना नहीं ठीक है ना घर लोगों को बुलाना है, ते अपनी हिफाजत करनी, बार बार हाथ धो के साफ सुथरा रहना। कोरोना वायरस कैसे होता है, इंसानी जिस्म में कैसे दाखिल होता है, इंसान इसका कैसे शिकार होता है? अभी तक तो हमें तो हुआ नहीं है, अब इसका ये नहीं पता है कि जिनको हुआ है वो तो अब उनको ही पता है। काफ़ी लोग हैं जो मास्क के बगैर लगे फिरते हैं और कोई मतलब देखा। मास्क तो आपने भी नहीं पहना? मैंने भी नहीं पहना। क्यों नहीं पहना? बस ऐसे ही घर से निकला हूँ और जल्दी जल्दी मकान पे गया हूँ, काम पे अभी वापस जा रहा हूँ। पूरी दुनिया में अगर फैला हुआ है तो सही, मगर बस ये हमारी बेवकूफ़ी है, हम कंट्रोल नहीं कर रहे। ये हाथ मिलाने से होती है। अच्छा, यही है कि एक दूसरे को हाथ ना मिलाएं, मिले मत अगर किसी को है, और है ये ज़रूर, ये झूठ नहीं है, मजाक नहीं है, ये जो लोग मजाक बना रहे हैं ना ये मजाक नहीं है। कोरोना वायरस क्या है? वायरस कुछ भी नहीं है, कोरोना भी कुछ नहीं है, वहम है, फजूल बातें हैं बस। आपके नज़दीक वहम है? वहम है। तो जो पूरी दुनिया बंद पड़ी है, ये कोई उनका अपना सिस्टम है, कोई सिलसिला है, कुछ लेने का या देने का? कोरोना वायरस से बचना चाहिए, ये जानलेवा बीमारी है एक, और जितना हो सके इससे परहेज करना चाहिए, ताकि इस वक्त ये पहले यूरोप में मसला था, अमेरिका में, और अब पाकिस्तान में आ गया है, उससे बचना चाहिए हर बंदे को, ताकि इसे केयर करनी चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइज़र बार बार लगाना चाहिए, किसी से गले नहीं मिलना चाहिए, हाथ ही मिलाना चाहिए, ताकि अपने आप को और अपनी फैमिली को बचाएं। कुछ भी नहीं है कोरोना वायरस। क्या मतलब वैसे ही ये कोरोना वायरस मजाक है कि जैसे आप समझ रहे हैं, ये कोरोना कुछ भी नहीं है, जैसे लोग ये फिर रहे हैं, ये बाहर के मुल्क में हो रहा है, हमारे मुल्क में कुछ भी नहीं हो रहा, लोग तो वैसे एक चीज़ का मजाक बना रहे हैं, कोरोना कुछ भी नहीं है, क्या कोरोना मजाक किया जा रहा है? मतलब कोरोना बीमारी नहीं है, कोरोना मजाक है? कोरोना मजाक है। ये आपका क्या कहना है? ये मेरा कहना है कोरोना वायरस मजाक है, बीमारी होती तो मेरे पूरे ख़ानदान में, रिश्तेदारों में, हमसाओं में, किसी भी जगह पे कोरोना वायरस का कोई केस नहीं आया, तो मुझे नहीं लगता कि बीमारी है।
कोरोना वायरस एक महक बीमारी है सर, जिसके में बचने के लिए बहुत एहतियात की ज़रूरत है सर, लेकिन इसके लिए हम आवाम जो है इसमें शऊर नहीं है, क्योंकि हम लोग बेहतियाती करते हैं सर इसके लिए सर। हालांकि मैं एक ये आप देख रहे हैं कि मैं साइकिल पे एक यानी कि मरम्मत का काम करता हूँ, चरिचूल्हे सिलाई वगैरह ओवन वगैरह का, लेकिन फिर भी मैंने मास्क वगैरह अपनी जहाँ तक मेरे से एहतियात होती है, हाथ वगैरह हैंड्स यानी कि जब भी जिस चीज़ को भी हाथ छूता हूँ धो के यानी कि 20 नहीं तो 15-18 सेकेंड तक लाजमी, और ये एहतियात यानी कि वो बड़ों का कहना है कि इलाज से एहतियात बेहतर है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के जो केसेज हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लोग जो हैं वो अपने आप में एहतियात ना करके इन केसेस को बढ़ाने में हुकूमत की परेशानी में इजाफा कर रहे हैं। कोरोना वायरस क्या है इस हवाले से लोगों की राय आप लोगों ने जानी। मजीद वीडियोस के लिए देखते रहिए डेली पाकिस्तान। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।